हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शायन एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर हम कंज्यूमर टेक्नोलॉजी या फिर टेलीकम्युनिकेशंस के बारे में बात करते हैं तो यहां पे अगला नेक्स्ट बिग थिंग होने वाला है 5G टेक्नोलॉजी। और यहां पे फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी इतना इम्पॉर्टेंट है कि यूनियन बजट 2018 के अंदर में भी गवर्नमेंट ने इसका स्पेशल मेंशन किया है। और फ्रेंड्स, अगर हम दुनिया भर के बारे में बात करते हैं या फिर स्मार्टफोन्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे स्मार्टफोन चिपसेट मैन्युफैक्चरर क्वालकॉम ने बड़े बड़े स्मार्टफोन OEMs जैसे कि एसूस, जाओमी, सोनी, LG इन सभी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लिया है ताकि हम लोग जो है वो 2018 से 5G एनेबल स्मार्टफोन्स हम लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर में मैं आप लोगों को 5G नेटवर्क्स क्या है इसके बारे में बताने वाला हूँ। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि 5G नेटवर्क्स जैसे ही आता है तो हम लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलता है। और फाइनली मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि 5G नेटवर्क्स के बारे में इंडिया का क्या स्टैंड है या फिर इंडिया का क्या राय है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि 5G क्या है, 5G का डेफिनेशन क्या है और 5G इतना क्रूशियल क्यों है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को सिंपल भाषा में कहूँ तो 5G एक नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि करंट 4G LTE स्टैंडर्ड्स का सक्सेसर है। यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर हम 2G, 3G या फिर 4G कनेक्शंस की बारे में बात करते हैं तो ये फोकस करता है मोबाइल रेडियोस के ऊपर में। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम 5G की बारे में बात करते हैं तो 5G जो है वो एक एंटायर इकोसिस्टम है ऑफ मोबाइल रेडियोस। और यहाँ पे ये जो है सिर्फ स्मार्टफोन्स के अंदर में ही नहीं बल्कि हम लोगों को बहुत सारे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और बहुत सारे इमर्जिंग डिवाइसेस के अंदर में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि 5G जो है वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर में बहुत ही ज़्यादा इसका असर होने वाला है, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, ऑगमेंटेड रियलिटी हो गया और वर्चुअल रियलिटी हो गया। यहाँ पे फ्रेंड्स, 5G के जरिए हम लोग जो है स्मार्ट सिटीज़ को तैयार कर सकते हैं। इसका यूज़ जो है रोबोटिक्स में अंदर में हो सकता है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स के अंदर में हो सकता है, एग्रीकल्चर में हो सकता है, एडुकेशन के अंदर में हो सकता है, यहाँ तक कि हेल्थ केयर के अंदर में भी हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर हम 5G टेक्नोलॉजी की स्पीड्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि 5G जब आने वाला है तो उसका जो नेटवर्क स्पीड है वो 10 टाइम्स फास्टर हम लोगों को करंट 4G से मिलने वाला है। और यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर हम 5G नेटवर्क्स को इस्तेमाल करके कोई भी हाई क्वालिटी वीडियोस जैसे कि 4K रेजोल्यूशन का हो गया या फिर 8K रेजोल्यूशन का वीडियोस को जो है हम सिर्फ 30 सेकंड के अंदर में ही डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स, 5G जो है हम लोगों को ज़्यादा नेटवर्क फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने वाले हैं, बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले हैं और उसके साथ साथ जो है लोअर एनर्जी कंजम्पशन भी प्रोवाइड करने वाले हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि 5G हम लोगों को लोअर लैटेंसी प्रोवाइड करने वाले है और इसीलिए जो है इसका इस्तेमाल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के अंदर में हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी 5G टेक्नोलॉजी का डेफिनेशन, 5G टेक्नोलॉजी क्या है। आगे चल के हम लोग इस वीडियो के अंदर में देखने वाले हैं कि 5G टेक्नोलॉजी जब आएगा तो हम लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर सबसे पहली फैसिलिटी के बारे में बात करते हैं तो हम लोगों को जो है 5G टेक्नोलॉजी के साथ साथ फास्टर डेटा एक्सपीरियंस मिलने वाली है। मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि आजकल दुनिया भर के जितने भी लोग हैं वो अपना कंप्यूटिंग रिलेटेड जितने भी काम है वो अपना स्मार्टफोन्स के ऊपर में ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही 5G टेक्नोलॉजी आएगा तो हम लोग जो है और भी अच्छी तरह से फास्ट स्पीड में जो है वेब ब्राउज कर पाएंगे, फास्ट डाउनलोड्स कर पाएंगे, अच्छी क्वालिटी में ऑडियो और वीडियो कॉल्स कर पाएंगे और इसके साथ साथ जो है 5G टेक्नोलॉजी हम लोगों को स्मूथ स्ट्रीमिंग और 4K एंड 360 डिग्री वीडियोस जो है प्रोवाइड करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, यहां पे इसके साथ साथ हम लोगों को बेटर AR और VR एक्सपीरियंसेस भी मिलने वाली है। मतलब कि जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया है कि 5G टेक्नोलॉजी हम लोगों को अल्ट्रा लो लेटेंसी प्रोवाइड करने वाले हैं तो यहां पे अगर हम AR और VR को इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग जो है और भी अच्छी तरह से इसका मज़ा ले पाएंगे और इसके साथ साथ जो है हम लोग को और भी इंक्रीज्ड कंटेंट कम दाम में मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, एंड लास्टली अब देख लेते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी के बारे में इंडिया का क्या कहना है, इंडिया जो है इस टेक्नोलॉजी को कब अडॉप्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये ऑलरेडी कह दिया है कि इंडिया जो है 2020 के अंदर में
रोल आउट करने वाले हैं हमारे देश के अंदर 5G टेक्नोलॉजी को। यहाँ पे फ्रेंड्स इंडिया के मेजर टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो है, जैसे कि BSNL हो गया, एयरटेल हो गया, रिलायंस जियो हो गया, फिर नोकिया, सैमसंग, सभी जो है अपना नेटवर्क्स के ऊपर में ऑलरेडी काम करना चालू कर दिया है, ताकि जो इन सभी को इंक्रीज करके 4G से 5G के अंदर में लाया जाए। इसके अलावा फ्रेंड्स गवर्नमेंट ने यह कहा है कि इंडिया के अंदर में 3.3 to 3.6 GHz का जो स्पेक्ट्रम बैंड है उसे आइडेंटिफाई कर लिया गया है इंडिया के अंदर में 5G नेटवर्क्स को चालू करने के लिए। और जैसे ही एक बार 5G नेटवर्क्स चालू हो जाएगा तो गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक ही काम रहेगा, वो है कि सीमलेस इंटरकनेक्शन किया जाए 5G और LTE नेटवर्क्स के बीच में। और यहाँ पे एक रिपोर्ट ऐसा निकल के आया है जिसके मुताबिक ये है कि अगला जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन होने वाला है उसके अंदर में गवर्नमेंट जो है 5G वेब फॉर्म्स को इंक्लूड करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप लोग अब समझ गए होंगे कि 5G नेटवर्क क्या है, 5G नेटवर्क इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, 5G नेटवर्क के साथ साथ हम लोगों को क्या मिलने वाला है, और इंडिया के अंदर में कब 5G नेटवर्क रोल आउट होने वाली है। और फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी सजेशन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर टाइप कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, और हो सके तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोजाना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहता हूं। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस।